जय हिंद दोस्तों, प्रॉपर्टी कवरेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी बुक करने के बाद होने वाली गलतियां या फिर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मिसहैंडल होते हैं, मिसप्लेस हो जाते हैं और उसके चलते लोगों को अगले 5 साल या 10 साल या 15 साल के बाद उससे रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं और वो आपका आगे जाकर सरदर्द बन सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम अवॉइड करने के लिए आज का ये जो वीडियो है वो मैं बना रहा हूँ। दोस्तों वीडियो जो है ध्यान से सुनेगा और पूरा देखेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रॉपर्टी बुक करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और एग्जैक्टली आपको क्या क्या करना है। दोस्तों प्रॉपर्टी में एक छोटे से छोटा पेपर भी है, वो बहुत मायने रखता है, बहुत वैल्यू रखता है। आप चाहे वो फिर आपका बुकिंग रिसिट हो, चाहे वो आपका पोजेशन लेटर हो, चाहे वो CC हो, OC हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, तो अगर इसके चलते कोई डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हो जाता है या फिर गुम जाता है या फिर आपके पास रहता नहीं है तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम होंगे, आपको इससे उससे मांगना पड़ेगा और किसी के पास नहीं मिला तो फिर आपको सरदर्द भी होगा। तो आपको करना क्या है, अगर आपने प्रॉपर्टी बुक की तो सबसे पहले जिस भी प्रोजेक्ट में आपने प्रॉपर्टी बुक की है तो उस प्रोजेक्ट की एक मास्टर फाइल होती है। अगर आपने जिस बैंक के साथ उसका उस प्रॉपर्टी को APF किया है उसमें अगर आपने लोन के लिए एप्लीकेशन दिया तो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स देने, प्रॉपर्टी के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते, तो उस केस में भी आपको बिल्डर से एक जो मास्टर फाइल होता है वो मांग के आपके पास रखनी है। अगर आप खुद लोन करवाने वाले होते तो बिल्डर जो आपको जो मास्टर फाइल होती है वो प्रोवाइड करते तो उसका एक जेरोक्स निकाल कर आपको आपके घर में रखना है। तो मास्टर फाइल क्या होती है दोस्तों, तो मास्टर फाइल वो होती है जिसमें बिल्डर ने जो लैंड परचेस के उसके एग्रीमेंट्स होते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बिल्डर ने लोकल अथॉरिटी के पास से जो परमिशन लिया है, CC उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो ब्लूप्रिंट होता है बिल्डिंग कैसे स्ट्रक्चर बनने वाला है उसका एक प्लान होता है, सारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे मास्टर फाइल में होते हैं। तो फ्यूचर में कभी भी आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगता है तो उस मास्टर फाइल में आपको अवेलेबल हो सकता है। तो मास्टर फाइल पहले तो आपको सबसे पहले एक जेरोक्स निकल कर आपके पास रखनी है अगर आप वो बैंक में सबमिट करने वाले हो, नहीं तो फिर आप बिल्डर से एक एक्स्ट्रा मांग के घर में रख सकते हैं। ये हो गया मास्टर फाइल का। दूसरा, प्रॉपर्टी बुक करने के बाद आपको बुकिंग रिसिट मिलती है, उसके बाद में आपको पेमेंट रिसिट्स मिलती है। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप पेमेंट्स किए तो वो पेमेंट्स रिसिट्स मिलती है। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी अपने होम लोन भी लिए या फिर डायरेक्ट पेमेंट करके भी लिए तो आपको हमेशा एक सेट जेरोक्स का एक्स्ट्रा बना के रखना है। मतलब आपको जो पहला पेमेंट आया उसका एक जेरोक्स निकल के एक फाइल अलग से बना लो, फिर आपने दूसरा पेमेंट किया उसका पेमेंट रिसीट आया आपको, फिर उसका एक जेरोक्स निकल के एक फाइल अलग से, आपको एक पर्टिकुलर फाइल ही बनानी है जिसमें आपको मिलने वाले हर पेपर के एक जेरोक्स कॉपी आप लगाओगे और ओरिजिनल की आप फाइल अलग से करोगे। अगर आपने लोन किया है तो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे वो आपको बैंक में सबमिट करने पड़ेंगे, A to Z डॉक्यूमेंट जो है दोस्तों वो बैंक में सबमिट होते हैं। तो वो केस में अगर बैंक में आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सबमिट करते तो फ्यूचर में आपको कोई डॉक्यूमेंट्स लगता है तो आपको बैंक के पास मांगने जाना पड़ता है और वो डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लेने देने के भी फिर बैंक में पैसे भरने पड़ते हैं। तो ये सब दुनियादारी करने से अच्छा पहले से ही अपना एक खुद का सेट बना के रखिए। अब बुक करने के बाद आपको ये दो स्टेज इंपॉर्टेंट थे दोस्तों जो आपको कंपलसरी करने थे। क्या? तो सबसे पहले मास्टर फाइल जो होती है उसकी एक कॉपी आपके घर में रखिए। दूसरा जो बात है दोस्तों कि मिलने वाले हर एक पेपर का एक जेरोक्स निकालना है और आपके घर में रखना है। और इससे एडवांस क्या कर सकते हैं, तो अभी तो लोगों के पास घर पे स्कैनर भी है, जिनके पास स्कैनर नहीं है मोबाइल में भी स्कैनर आ गया, या फिर मोबाइल में आप फोटोज निकाल के एडिशनल एक आपके मेल पर भी एक एक्स्ट्रा जो है वो सेट बना के रख सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिल रहे हैं एक फोटो ले लीजिए, मेल पे डाल दीजिए, एक फोटो ले लीजिए मेल पे डाल दीजिए और उसको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स का पर्टिकुलर टाइटल दे दीजिए। मतलब आप दुनिया में आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी आता है या फिर रिक्वायर्ड है तो ईमेल पे जाकर आप वो वापस से डाउनलोड कर सकते हैं, सबसे इजीएस्ट वे है। पर फिर भी आप एक एक्स्ट्रा जेरोक्स लेकर अगर घर में रखते हो तो वो आपके लिए ज्यादा सेफ हो सकता है। और मैं फिर से आपको यही बताऊंगा दोस्तों कि प्रॉपर्टी में ना वैल्यू लेस वाला कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, हर डॉक्यूमेंट्स की अपनी एक अलग अहमियत होती है, हर डॉक्यूमेंट्स की अपनी एक वैल्यू होती है। तो मिलने वाला हर एक डॉक्यूमेंट्स का आपको एक एक्स्ट्रा जेरोक्स रखना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है अगर आप बैंक में सबमिट करते हो तो बैंक में अगर आप सबमिट करते हो तो बैंक के पास में वो ओरिजिनल चले जाने के बाद आपके पास कुछ रहना चाहिए, इसके लिए आपके पास आप जेरोक्स रख सकते हो। आशा करता हूँ आज का छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी सारी नॉलेज दे चुका होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह के और भी फ्यूचर में वीडियोज़ मैं आप तक पहुँचाने वाला हूँ। जल्दी मिलेंगे ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।